कोतवाली क्षेत्र में 38 वर्षीय युवक की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के पुलंदरवाली बगिया निवासी शिव शंकर रोडवेज बस संख्या 2641 पर मैनपुरी डिपो में बतौर चालक के पद पर तैनात थे। वे अपनी बस मैनपुरी ला रहे थे, तभी फिरोजाबाद जनपद के रूपसपुर गांव के समीप बस डंपर से भिड़ गई, जिससे बस का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक्सीडेंट में बस चालक शिव शंकर की दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी परिवारजनों को मिली, वैसे ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। क्या मामला है, क्या घटना है? घटना ये है कि जो अमित कुमार हैं वो असम राइफल्स में तैनात हैं। छुट्टी पे गांव आए थे, रात को अंधेरा हो गया था, अपने घर वापस जा रहे थे बाजार से आकर, तो रास्ते में कोई तार बिजली का जिसमें कट लगा हुआ था, अंधेरे में उनको दिखाई नहीं दिया और उसी तार के चपेट में आगे करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई।